हमारे खेत बंजर हो जाए तो घर हर तो दूसरे के खेत में चलावे के पड़ी हमके, और हमारा खेत बंजर हम किसान हो भी इस खेत को आबाद नहीं कर पा रहे हैं तो गलती हमारी है। गलती हमारी ये है कि हम जब इलेक्शन आता है तो खाली दूगो फ्रूटी पिए लगे तुरंत बटन दूसरा जगह चल जाता है। सबसे पहले एक दिन की खुशी को मारना पड़ेगा अगर आपको पूरे जीवन की खुशी लेना है। एक दिन के खुशी को जिस दिन आप मार दीजिएगा, अधिकार वो आपका नहीं है, वो आपके बच्चे का भविष्य है जो आपको तय करना है। पैदा करना ही बच्चों का भविष्य नहीं होता, शिक्षा देना ही भविष्य नहीं होता। ये बताइए खेसारी के बेटा बेटी अगर आप खेसारी का लगे पैसा बात अमेरिका में पढ़ा दिए, लेकिन सबका लगे सक्षम तो नहीं ना जो अपना बेटा बेटी का अमेरिका में पढ़ाई। बिहार में कितना लोग खेसारी बाजी, एक एक ना एक एक खेसरिया बा। ये बताइए आज भी हमारे बिहार के नेता हैं, यूपी के नेता हैं, सबके अपने बच्चे कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई लंदन में पढ़ता है, कोई मॉरिशस में पढ़ता है। किसी किसान का बेटा कहाँ पढ़ने जाता है क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अगर यहीं पे स्कूल दिया होता तो इनके भी बच्चे यहीं पे शिक्षित हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने जब अपने बच्चे का भविष्य तय नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य तय कहाँ से कर पाएंगे। अब यह बताइए कि यूट्यूब पर डाल दी तो लोग कहिए खेसरिया राजनेता हो गए। अब हम अपन दुखो ना कह सकिले। अच्छा हम नजायज बोलते चाचा, अभी बताइए खेसरिया जब अपना खाती हॉस्पिटल नहीं खे बनावले तब गांव भर का इलाज कहां से कराई। तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे। मेरी उम्र आज 28 से 30 वर्ष की हो गई, 30 वर्ष से हो सकता है 5 वर्ष बाद मुझे होश आ गया होगा। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूँ कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तब मिलिए रहा। इसमें दोष हम सरकार को नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है, हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रुचि होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते, किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो गलत काम करता है। तो गलत काम तभी होता है जब इंसान फुर्सत में होला। एक गलत काम हो टाइम ना मिले सही बात तार गेहूं का दवरी आई तो तू दूसरे के टिकुड़ा तू जीव अपन गेहूं तो बना। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रिया होती तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते, हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है अपने बीबी के पास, छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसा ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है जब बाढ़ आई ना इलेक्शन के बाद हमें इधर रोज मिली। अगर इलेक्शन बा यहाँ बाढ़ आई कि चिवरा खात खात पेट मॉल हो जाए, खूब खाए बड़े चिवरा, लेकिन यही इलेक्शन बीतते ही एक भी आदमी, हाँ जो आपके दर्दों को समझता है। मैं किसी राजनेता पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। मुझे दुख होता है ऐसे देख के, इस जमीन को देखा तो मैं अपने अखिलेश बाबा से बोल रहा था एक बार कि बाबा इतनी अच्छी जमीनें हैं, ऐसे ही जगह पे हम शूट करने जाते हैं तो वहाँ फिल्म सिटी बन गया है। यही जंगल मुझे मिलती है मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ, तो इससे कुछ वीआईपी नहीं मिलता है लेकिन हमें वहां मिलता है क्योंकि वहां के सिस्टम ने उस जगह को बनाया है। व्यवस्था तो हमने के बनाने के पड़ी साल, अच्छा 5 साल में एक बार मौका मिला वो में हमें फ्रूटी पा खा गई सर, कहां से व्यवस्था क्यों दे दी। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा तब सिस्टम बदलेगा, क्योंकि सिस्टम चलाने वाले आप है, आप उनको अधिकार देते हैं सिस्टम चलाने के लिए।
तहरा पैसा से फॉर्चूनर पर खेसारी लाल चढ़े ले खेसारी के कल से सुनल बंद कर देवे खेसारी के औकात नजर आ जाए कि खेसारी तू कितना बड़ा स्टार हो। मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। तो जब खेसारी लाल यादव की औकात आपके हाथों में है, मेरा भविष्य आपने तय किया है, एक दूध बेचने वाले बेटा, एक लिट्टी बेचने वाले बेटा स्टार आपने बनाया ना। मेरे पिताजी कभी मेरा सिनेमा नहीं देखते हैं, लेकिन आप लोग अपने बेटा के लिए अपना हाथ तक फाड़ लेते हो, तो मेरे बाप से बढ़ के आप सब होते हो, इसीलिए मैं हमेशा आप सबसे प्यार करता हूं। मैंने अपनी जगह पहचानी, रास्ते खत्म नहीं होते हैं, जहां खत्म होते हैं वहीं से एक दूसरा रास्ता बनता है, वो आपको चुनना है कि आप जाना कहां चाहते हो। ये पत्थर भी विश्वास क्यों जगा देता है, हम राम को क्यों पूछते हैं यार? पूछने का कारण है कि राम ने कर्तव्य किया है और हम पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं, और हम इंसान होकर एक इंसान को नहीं बदल सकते। क्या हम अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकते? पत्थर में विश्वास ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम किसी नेता में अपना भविष्य नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हम फुरूटी पे बिकते हैं। हमें फुरूटी छोड़ना होगा। 5 साल बाद मौका होता ऐसा काम कर दलो कि आदमी लोग बन जाओ, अपने आप समझ में आ जाए कि नेतागिरी का होना। हर आदमी के लिए बात करता हूँ, मैं देखा तो मुझे दुख हुआ कि इतने सारे जमीन के बावजूद मैं किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं बातें बोलता हूँ कि अगर मेरी बातें यूट्यूब के माध्यम से कहीं ना कहीं तो चलिए जाए हम जाना तरी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ 5,000 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ में फिल्म सिटी बना दो यार, कि मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ शूटिंग करने आऊ। अगर मुझे लगता है ना, अगर यहाँ पे फिल्म सिटी 100 एकड़ में बन गया तो बिहार की सबसे खूबसूरत ये जगह होगी, ये मेरा दावा है, ये मैं जानता हूँ। और पूरी दुनिया यहाँ पे आएगी शूटिंग करने, चाहे वो सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो या अक्षय कुमार हो। खेसरिया के तक घर है, झड़ो फिरे खाती चल रहे हमार तो बदिया हटा दे, हम तो घर के बेटा हैं, ये जमीन के उपजल एगो अनाज है। लेकिन दुख होता है, हमको बड़ा दुख लगल है, चाहे नहीं हटा ये जगह देख के दुख ना लगल है। इतना सुंदर जगह बने ओकरा बावजूद हमनी के अपना जमीन पर फसल नहीं किस होगा पावत, ये हमनी के ब्रह्मणा बा जे हमनी के कितना तकलीफ में बने जाए। अरे आप पिता हैं, क्या कहूँ? अरे वो तो बहुत दूर की बात कह दीजिए, वो हम लोगों को चलने के लिए रोड नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ से वहां से एक बार एग्रीमेंट भी हुआ था, सरकार बनने नहीं दे रही है, हम लोग क्या करें? अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तिलहार से यहाँ आने जाने के लिए सेमरा तक रोड हुआ था, सरकार बंद भाग करने नहीं दे रहा है। ये तो बड़ी बात कह दी 500 बीघा काम करने के लिए। उसके बाद बताई, हम बहुत गरीब परिवार की बेटी लगे 50-100 करोड़ 200 करोड़ रुपया नहीं थे, लेकिन भगवान अगर हमके बहुत बड़ा जरिया बना दी है ना, हम वादा करते नहीं, हम इसे वादा करके देखिए हम नेता ना है, हमके वोट नहीं खेले बेके और वो लोग बिना आशीर्वाद दे दिले हमारे गति बहुत बार। हम वादा करते नहीं कि भगवान अगर हमके बहुत बड़ा आदमी बना दे ना, तो हम अपना पैसा से फिल्म सिटी बनाए भेजी गया जमीन इसीलिए। इतना नीमन जगह इतना नीमन जगह हम साउथ में, अभी साउथ के सिनेमा करके नहीं है, इतना नीमन जगह हमके साउथ में ना मिला। हम अपना जीवन में पहली बार इस जगह पाई भाई, इस जगह पे आया, इस जगह पे आके ऐसा लगा जी यहाँ जन्नत है, और यहाँ पत्थर नहीं, यहाँ हर पत्थर पे एक इतिहास बना हुआ है, बस लोगों को पढ़ना आना चाहिए। लेकिन हमें, मुझे नहीं लगता कि इस सरकार को कभी ये पत्थर नजर आएगी, इनके नजर में ये पत्थर है, क्योंकि इसके लिए आपने मंदिर नहीं बनाया ना। एक पत्थर को रख के जब हम मंदिर बना देते हैं तो उसमें जल चढ़ने लगता है। आज इस पत्थर पे आप मंदिर बना दीजिए, देखिए सारे भक्त जल चढ़ाना शुरू करेंगे, और ये हमारे लिए मंदिर नहीं भगवान का मूर्ति बन जाएगा यही पत्थर। लेकिन सरकार के नजर में एक मामूली ये पत्थर है, लेकिन वो मंदिर बना दे तो शायद ये पूजनीय हो जाए, लेकिन शायद ये लोग नहीं बना पाएंगे। हम 30 साल से तो यही बोलते आ रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं राजनीति करने लगता हूँ। मन करना चाहिए हमारा 25-30 साल ले हम हीरो में ठीक बनी, नेता बन जब तो 500 टके के मिली हो, वही तो हर जगह देखे भाई को फोटो लिखे खींचो है ना।
अभी बताओ जो है ना धोइयो ले तनी तक हो कुछ बोले वाला नहीं खन लो ऐसे हमारा नेता नहीं बने। हमको हमको कुर्सी नहीं चाहिए, हमको कुर्सी पे बैठने वाले वो लोग चाहिए जो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी एक घर में नेता है। आप अपने घर को चलाते हैं तो आप नेता ही तो है। आप अपने घर को चलाते हैं, आप 6 आदमी को चलाते हैं, यहाँ 12 करोड़ जनता को मुख्यमंत्री चलाते हैं, तो उनको पावर दिए हैं तब ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना भविष्य तय करिए। इस जगह से मुझे बहुत प्यार हुआ बबन भैया, मैं आज अपने चाचा के पुण्यतिथि में आके बहुत मैंने इतना गर्व महसूस करा तेरी कि कहा बताई भगवान हमको इतना तू बड़का बना देना कि हम यही जी बंगला लेके अपना मेहरबिया के संग रोज जूहू चौपाटी घूमू। इतना बढ़िया है जिगिया, नदी बहता है जूहू चौपाटी बन जाये जिगिया, हर आदमी ठेला लगा के रोज 500 रुपया कमा के जाये। लेकिन कहा चिरफुट बड़ा से करके बुझा दे कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार अतनी हमको छठ से हमने साथ ने कि छठ को बजा दो अतनी हमने के बढ़िया से सब लोग ढूंढ ली ना छठ के माहौल चलत आ गई। अच्छा आइए 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 मनीषा जी।